हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। संत लिख में दास जी गौशाला पर लगी ट्यूबवेल से केबल चोरी। शहर के जैतारण्य गेट के बाहर स्थित संत श्री लिखमीदास महाराज गौशाला पर लगी सार्वजनिक ट्यूबवेल से चोरों ने 50 फुट बिजली केबल चोरी कर फरार हो गए। शिवसेना प्रमुख जितेंद्र पालरिया ने बताया कि चोरों ने संत लिखमीदास जी गौशाला में पांचवी बार निशाना लगाकर 50 फुट केबल चोरी कर फरार हो गए। इससे पहले कई बार चोरों ने गौशाला का दान पत्र सहित अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए, लेकिन अब तक चोरों का सुराग नहीं मिल पाया तथा चोरी के मामले की घटना की रिपोर्ट सोजत पुलिस थाने में भी दर्ज करा चुके हैं, लेकिन चोरों को पुलिस का डर नहीं है तथा सोजत क्षेत्र हजारों लोग इस सार्वजनिक ट्यूबवेल से मीठा पानी लेने के लिए यहां आते हैं, लेकिन उन्हें वापस खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि दिन दहाड़े भी चोरी कर भाग जाते हैं। शिव सैनिकों ने बताया कि अब अगर कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन बैरावासियों को आंदोलन करना पड़ेगा। जागरूक टीवी की सोजत सिटी से नथाराम बोराना की रिपोर्ट।